भाई इन्हें ना शर्ट लगा दी है, सबसे ज्यादा पुशअप किसको मारने हैं। ये देखो भाई, ये 3 से 5 उठा के लेके गए हैं पुशअप मारने के लिए। अब देखते हैं कौन मारता सबसे ज्यादा। सही है दीदी, स्मृति जी विशाल का तो नहीं पता, लेकिन हमें सुखी गांड फड़वा दी, इतनी मेहनत करा दिया भाई। ये तो बड़ा खतरा चीज है जो अपने ही घर से अपना ही सर फोड़ कर खत्म हो जाती है। नहीं यार, ऐसी क्या चीज है भाई, लपेट ले गया तो भाई। 29 32 32। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हो सभी लोग? गाइस आज हमारी है सोलो ट्रिप कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब आज हम सोलो आए, हमारे कोई सिपाही हमारे साथ आ जाए नहीं है। बहन चौदह को काम बहुत रहता है, जब भी काम को तो फ़ोन करो, कोई ना कोई काम रहता है। खैर कोई नहीं, सुनने में आया था कि यहाँ पर गुलचन में सालसा है, ठीक है। वैसे तो होता है हर सैटरडे को, मैंने देखा था, तो आज देखने आते हैं। इससे पहले वाला सालसा देखने आया था वो झाटू सालसा था, आज देखना है कैसा होता है, फिर तुम्हें दिखाते हैं कि भाई। वैसे तो उम्मीद है आज वाले मज़ा आना चाहिए, बट अब देखने बाद ही पता चल पाएगा भाई मज़ा आएगी कि नहीं आएगी। वैसे भीड़ तो ज़्यादा दिख नहीं रही यार, छोटी मोटी भीड़ दिख रही, ज़्यादा दिख नहीं। लो जी सालसा भाई, ये क्या कर रखा? अच्छा यहाँ पे पहले ना तुम्बुक लगे हुए थे, इतने सारे यहाँ पे तुम्बुक हटा दिए, हटा के ये लगा दिया। ओ भाई साहब, सालसा के नाम पर दामी कर रहे हैं। मैच चल रहा भाई, देखो मैच ही देख लो, क्योंकि जो है यही चल रहा भाई, ड्रीम इलेवन तो पैसा लगा रहे हैं। ना मैच चल रहा था, ठीक है, और हमने ना मैच देखना नहीं है, हम काहिल आदमी है, तो हम फिलहाल के ऊपर जा रहे हैं मैच का देखना, क्योंकि आज हमने अपने आईपीएल में पैसा लगाया नहीं, इसलिए हमें मैच देखने कोई मन भी नहीं है। 2 बार लगा, दोनों और हार चुके हैं, तो जो हमारे पैसे थे वो भी चले गए। बीच बीच में तो फिर भी थोड़ा बहुत जीत रहे थे, उसके बाद तो भाई बिल्कुल जीतना बंद हो गया। 49 रुपये मिल रहा था ना, हमने तो ऐसी टीम बनाई वो भी 49 बहन एक हो गई है, तो बस यही है। अब हमने टीम बनानी छोड़ दी है, क्योंकि हार गए, बहुत ज़्यादा हारे हुए हैं, तो इसलिए मैच देखने हमारा मन भी नहीं कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये हम जा रहे हैं अपने पर गुलचन भाई। ये बहुत गलत चीज़ होती है, बीच रास्ते में फोटोशूट शुरू हो जाता है। ये देखो भाई, कुछ आंटियाँ ना बीच में फोटोशूट करा रही हैं अपना। ये लो भाई, रास्ता जाम हो गया, तो चक्का जाम कर रहे हैं यहाँ पर, तो पीछे लग रहा फॉरनर्स आके भटके हुए यहाँ पर भाई मेरे पीछे ना कोई 2 फॉरनर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे है नहीं वो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं बहुत टाइम के बाद आया ना यहाँ पर, तो मुझे कई सारी नई नई चीज़ें दिख रही हैं जो कि पहले खुली हुई नहीं थी, और अब वो चीज़ें खुल चुकी हैं। तो अब एकदम टॉप फ्लोर पर जाते हैं, टॉप फ्लोर मतलब मीन्स के जहाँ पे फूड का आएगा वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं, हमने कुछ खा भी लेंगे और कुछ दिखा भी लेंगे अगर कुछ नया आया होगा तो। वैसे तो ये एक चीज़ था, एक ये नया आ रहा था यहाँ पर, भूत का कुछ है, तो अभी आया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देते हैं बाहर से, क्योंकि अंदर तो पूरा जा नहीं सकते लाउनियों का। ये देखो भाई, ये भी पूरा बन रहा है यार, मॉन्स्टर वाला, तो अभी तैयारी चल रही है यहाँ पर। जब बन जाएगा भाई तब आ जाना, क्योंकि अभी तो फिलहाल। अच्छा एक रास्ता और है, इन्हें एक और बना दी, पहले ये नहीं था, ये पहले बंद हुआ करता था, पहले सिर्फ उस साइड से तो फिर जाना था, अब इन्हें एक और बना दी रास्ता है। वाकई भाई एकदम भूत वाला है यार, रात में शुक्र लाकर रख दो भाई, वो तो डर ही जाएगा। इस अभी मैं आ चुका हूँ सबसे ऊपर, और भाई साहब सन्नाटा जो किस तरह वाला है, लग रहा है सारे कपल साहब छुट्टी पे गए हुए हैं, इसलिए कुछ दिख नहीं रहे यहाँ पे। ऊपर आई गई हूँ तो मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ खाने के ले लूँ यार। ये पहले यहाँ पर 99 में लगा था, अब इनने बहुत महंगा लगा दिया, मैं वाला नहीं ले रहा वैसे, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो भाई मैं इतना लेके क्या करूँ, मुझे इतना खाना वैसे नहीं है। मैं सोच रहा हूँ छोटी खाली कोक ले लूँ, 99 वाला मील कहाँ गया इनका, वही सबसे सस्ता मुद्दा दिख रहा है वो, तो अब तो दिख भी नहीं रहा यार वाला मील कहाँ चले गया। यहाँ पे मील लगा हुआ था पहले, वो भी हटा दिया इन्होंने। बर्गर किंग में तो इनका कैफे मिला नहीं, तो हम अभी KFC आ चुके हैं, और KFC में हमने अपना मील ऑर्डर कर दिया छोटा वाला सबसे, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे मील का टाइम खत्म हो गया। और सबसे दुख की बात ये है कि उनका मील का टाइम खत्म तो खत्म हुआ, और जो है वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन करो, हम ऑनलाइन करना नहीं चाहते, हमारे इतना टाइम नहीं है, हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, बैठ के पहले गपशप करेंगे, तो अभी फिलहाल हमने ऑफलाइन ही इनके पास ऑर्डर कर दिया। सोलो की ये अच्छाई होती है भाई कि जब अकेले आओ तो अकेले पूरा ठूंसना पड़ता है, कोई ठूंसने वाला साथ में होता नहीं है। तो पहले शुरू करते हैं भाई कोल्ड ड्रिंक से, और बहुत सारी बातें हैं यार जो भी करनी है तुम लोगों से, पहले कुछ खा भी लेते हैं फिर बकवास करते हैं, तब मज़ा आएगा गाइस। ये देखो भाई, किसी को जरूरत तो चला ले आके, यहाँ पे फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। यार ना 2-3 गेम नए आए यहाँ पर, एक गेम तो ये नया आया यहाँ पर जो हमारे ऑफिस में, जिसका ये टूटा हुआ ये हिस्सा पोर्शन उसका गैप, उसका पता ही नहीं है कहाँ पर चले गए। ओ भाई साहब, ये स्नाइपर किसने लगा रखी है भाई यहाँ पे, पबजी वाली स्नाइपर है क्या ये? जल्दी कैसे, वैसे इन्हें लॉक कर रखा होगा यार, ये तो एकदम ओरिजिनल लग रही है। वेट कितना है यार? वेट तो अच्छा खासा है यार, मिलिट्री वालों से लेकर आ गए क्या, आर्मी वालों से उठा के भाई। ये देखो यार, मैं हमेशा आके सिर्फ इसको देखता हूँ कि मैंने खेला नहीं, क्योंकि मेरे सिपाही कभी रहे नहीं जो मैं इनके साथ खेलूं, तो मैं सिर्फ देख के चला जाता हूं यहां से वापस। ये क्या बना रखा है इनने बलून? अच्छा ये बर्थडे के लिए बना रखा है, किसी का बर्थडे वगैरह होता है ना तो उसके लिए बना रखा है इनने, केक काटने के लिए। ओ भाई ये क्या होंगे बॉल? ओ सर ऐसा था इसका सिस्टम भाई, लग रहा किसी ने छोड़ रखा था यार, मैंने उठा लिया उसका दस्ती को।
किसी ने अधूरा कर रखा था, छोड़ के ऐसी वापसी में चला गया, तो मैंने ना उसे उठा दिया। भाई ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जो पहले नहीं थी, पहले अभी हुआ करती थी, पहले ही नहीं हुआ करती थी, ये तो पहले भी हुआ करता था। और तुमने पीछे वाली जीप देखी, वो भी पहले हुआ करती थी। छोटे बच्चों को मज़ा आ रहा है चलाने में। यार अब हमारी उम्र बड़ी हो गई है, हमारी उम्र बड़ी हो गई तो हम चला नहीं सकते इसको, बच्चों के लिए खाली वो। अब हम चलते हैं भाई थोड़ा नीचे के लिए, भौरन में सैर सपाटी कर ली ऊपर अकेले, और हम निकलते हैं नीचे। लो भाई सालसा शुरू हो गया, सालसा के नाम से वो भाई साहब पिंकी पोंकी बन के आ गई है। तो पूरा भाई कुछ पब्लिक देखने आई, वैसे हर बार रहती है पब्लिक देखने के लिए, मगर अब की बार यार कुछ हट के आया, ये करना क्या चाह रही है ये, पहले तो कुछ और रहा। भाई हम तो नहीं देख पा रहे फिटनेस में ध्यान, क्योंकि हमारे यहाँ दिन बंद चल रहा है, मंडे से जाएंगे मंडे से आंटी जी। नो जिम जो जा रहे हैं वो भी शर्मा रहे बेचारे, उठ के नहीं आ पा रहे हैं। बाकी सब कुछ क्या क्या बात है भाई, ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। भाई मैं जिम करके आया हूँ, मैंने नहीं किया, ये देखो भाई आपस में बैठ के लड़ाई कर रहे हैं लोग, जिम के लिए गए ना हो भले ही आज तक। ओ भाई अच्छा वो कर एडवर्टाइज कर रही है जिम का, भाई इनने ना शर्ट लगा दी है सबसे ज़्यादा पुशअप किसको मारने हैं, ये देखो भाई ये 3 से 5 उठा के लेके गए हैं पुशअप मारने के लिए, अब देखते हैं कौन मारता सबसे ज़्यादा। सही है दीदी सही है, तुम सही काम करा रही हो इनसे, सोच में पड़ गए लोंडे, उनने बुलाया तो कुछ और कह के कुछ और करा रहे हैं वहाँ पे। लो भाई एक और आ गया भाई, ये बहादुरी करी भाई ने, 5 हो गए मेरे हाथ भरे हैं, मैं दे नहीं सकता। लो जी चलो जी स्टार्ट होने वाला है। अरे चचक मैं आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं क्या कह रहे हो, तो मुँह के अंदर बोल लो जो भी बोल रहे हो। हाँ ठीक है भाई ओके, मैं ड्रीम लैंप लगा के हार चुका हूँ इसलिए मैं आ नहीं सकता वहाँ पे। भाई साहब अरे करने भी दो भाई, झुकने भी तो दो उसे यार, ये नहीं अच्छा लगता भाई मुझे, ये सब चीज़ें करनी मज़े नहीं आती। ये बंदा मार लेगा वो चल, क्योंकि भाई ये जिम वाला लग रहा है, बाकी ये जो साइज सिपाही खड़ा है ना ये रह जाएंगे, ये जो सीना तान के गए हैं। कोई नहीं यार लेकिन जाना चाहिए मेरे को भी, ये देखो इधर इनको क्या मज़ा आ रही है इसी को। थर्टी फोर कुछ हमारे भाई गांड फट चुकी, 34 कुछ अब मारने के बाद 34 कुछ अब, वो भाई साहब भाई मैं 60 मार दूंगा अगर मुझे तुम 1,00,000 रुपए दो तो, मैं फ्री में नहीं काम करता। ये भाई दूसरा भाई आ गया, ये पुशअप मार रहा है, ये अटकने वाला भाई, इसकी सांस फूल रही है जिस हिसाब से कर रहा है भाई। ये पुशअप क्या मार रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है हमारे स्कूल में जैसे पीटी कराते ना सब बच्चे उल्टे सीधे पुशअप मार रहे होते थे, बस ये वही लग रहा है। जेन्युइन पुशअप इसने मारे ही नहीं भाई, जेन्युइन पुशअप तो भाई येलो वाले ने मारे भाई, ये बंदे ने, बाकी अभी और भी सिपाही बचे हैं भाई। लपेट ले गया तो भाई 29 भाई 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 साहब बराबर ही टक्कर दे दी भाई ने, कोई नहीं भाई थोड़ा कमज़ोर सही। अरे भाई सामने चढ़िया हो यार, तुम लोग सामने भीड़ के लगा रखे हो। ये दूसरा भाई आ गया देखो भाई, अरे यार तुम लोग सामने ही खड़े हो गए यार, क्या ही फ़ायदा है तुम्हारे पुशअप मारने से, हम तो कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। हाँ चलो थोड़ी जगह काट गई, लोग कैसे भीड़ लगा के देख रहे हैं भाई, देख लो भाई भाई ये देखो यार लोग भीड़ कैसे लगा रखे हैं। वो भाई साहब 39 मार रहा है, जो सामने जी भाई लौंडे खड़े हैं ना उसके सामने एक लौंडा जो पुशअप मार रहा है उसने झाटू पुशअप मार रहा है, कि वो जो जिम के लौंडे खड़े हंस रहे थे कि अरे भाई ये पुशअप क्या ही मार रहा है भाई, तो मजाक कर रहा है, ये तो हंसी मजाक कर रहा है उसके साथ। खैर कोई नहीं अभी भाई ने येलो वाले ने मारे थे यार शुरुआत उसने करी थी, उसको लगा है मैंने सबसे ज़्यादा मारे, लेकिन कोई नहीं भाई उसने सबसे कम मारे हुए हैं, बाकी ने ये वाइट वाले ने 30 मारे तो 34 या हाँ 34 सेम मारे, और पीछे वाले जो उधर खड़ा हुआ है वो
उस बंदे ने अच्छे खास मारे 38 मार दिए भाई, निपटा दिए भाई 38 पे। लेकिन कोई नहीं है, बढ़िया कुछ मारा है। कल से हम भी जिम जाएंगे भाई, ये जिम करने जा रहे हैं, ये मजाक कर जाएगा जरा। अच्छा ये आया ब्लैक वाला, ये पूरा फुल फॉर्म से आया होगा। जी विशाल का तो नहीं पता, लेकिन आपने सुखी गांड फड़वा दी, इतनी मेहनत करा दिया। दो ही वाउचर मिले। हाईएस्ट स्कोर कितना था आपका? 30 सेकंड में। भाई का कुछ ज़्यादा इतना चौड़ा हो गया भाई इतने जिम करने के बाद तो। भाई ये सबको बुला रही हैं। पैर नहीं भारी, काहिल हो गए। कोई नहीं, उठ के आना चाह रहा भाई। वो भाई से आशीर्वाद करिए भाई ने। भाई ये तो बड़ा खतरा चीज है जो अपने ही घर से अपना ही सर फोड़ कर खत्म हो जाती है। किसी को पता है? नहीं यार, ऐसी क्या चीज है? हमें तो अपना सर लग रहा है मैम। दे दो अब भाई, ऐसा डिफिकल्ट सवाल क्यों पूछ लिया तुमने? अच्छा चलो आपको हिंट देती हूँ, खत्म की जगह है वो जल जाती है। नहीं बहुत नियर हो आप आंसर के, बहुत आस पास हो आंसर के। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मोमबत्ती, अगरबत्ती। ऐसी कौन सी चीज है जो अपने ही घर से अपना ही सर फोड़कर जलकर राख हो जाती है? बहुत इजी हिंट दिया मैंने भाई, बताओ ऐसा क्या हो सकता है भाई, कमेंट करके बता दो। वाह भाई वाह, मैच ठीक कर लेना ठीक है। लग रहा आपकी बार भाई, ये भैया जी जो है आपकी बार गेम में वो करके पैसे दे के आए, हर बार इनके ऊपर आ रहा है। ओ भाई लोग और भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करे रहे। आंटी जी कहाँ जा रही है? जो जो पकड़ ले कुछ पकड़ ले, हिलने वाले हिल ना जाए, बिक ना जाओगे ही ऐसा ना हो। भैया जी ये सामने जा रहे हैं, इनने सारे सवाल बताए यार, लग रहा कुछ पैसा दे के अंदरूनी मामला था इनका, तभी आप सारे सवाल बता दिए इनने। लो भाई बच्चे हो गए, फिनिशन देखो कितना छोटा बच्चा खेल रहा है, वो भी कितने बड़े बच्चे की बॉल। ये देखो काली इतना तगड़ा बॉलिंग ऐसे करा रहा भाई, इसकी ऊपर से निकल रही सारी बॉल। अरे आंटी जी आप मत करो बॉल, वरना कहीं और चली जाएगी, उस पार हो जाएगी बॉल। तो ए भाई पार ना कर देंगे, लोग चीखा ना पहुँचा दे बॉल जिस हिसाब से मार रही है। लो जी ये दे दिए किसी के मुंह पे दे दी। बच गए यार, बिल्कुल बढ़िया, तुम ठकवा दो कोई, बिल्कुल बढ़िया। हम खेलना चाहते हैं इनकी थ्री टाइम के बाद आपकी चांस है ठीक है। अरे देखो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की पूरी टीम यहीं आ जाए खेलने के लिए। आउट हो गया, बेमानी कर रहा है। बैट कलेक्ट कर लो तो बैट भी फ्री मिलने लग रहा है। मुंह पे मार रही है बॉल तो, ये सही से करा नहीं पा रही। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर के लिए, वापस निकल रहे हैं। वैसे तो हमें ज़्यादा मज़ा नहीं, तो हमें पता है आप लोग को भी मज़ा आया नहीं होगा इस पर, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। खास कहता मतलब अब देखो जो चीज़ आंखों से दिख रही होती है ना उस चीज़ की बात अलग होती है, हर चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। कहीं कहीं पर उन्होंने कुछ बात ऐसे बोली थी, वो उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था इसलिए हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो बस यही है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फिल्म तक अगले ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं अपनी बाहर बाइक की तरफ, आज अपनी गाड़ी लेके नहीं आए, बाइक लेके आए क्योंकि करीब में भी था, तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं, अरे सॉरी बाइक से ही चलते हैं क्योंकि पैदल फिर भी नहीं आ सकते। ये गुलचन का पीछे का हिस्सा है, ये हमारी जहाज़ खड़ा है बाइक। चलो जी।